आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से रमजान का चांद मुबारक और चांद रात मुबारक। रमजान मुबारक। उनको ढक लो, निकलो यहाँ से। फिर भी मेरे हाथ सफेद रहेंगे। शेरी के लिए भाई देखो फैन ही लगा रखे। तो यहाँ पर हमें एक्सीडेंट दिखा भाई। अभी नहा धोकर बिल्कुल मैं रेडी हो चुका हूँ। पैंट नहीं पहन रखी है मैंने भाई, सिर्फ शर्ट ही शर्ट पहनने के नीचे मैंने टॉवल डाल रखा है। कर रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है। मेरी ब्लैक पैंट और हल्का सा झलक दिया, ये देखो टॉवल पहन रखा है। तो भाई नीचे का हाइट रखते हैं और रहने भी गया है मैं मेरे कोट पैंट लेने। मैं भी जा रहा था, फिर मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था क्योंकि मुझे बड़ी तेज की नींद आ रही थी। ध्यान से कहती थी जहाँ तू जाके लिए, कभी वो भाई कहीं और डाल दे, हमारे कोट पैंट गंदे फंदे हो गए। तो भाई फायदा मैं घाटा गया, ध्यान लेने क्या भाई बात होंगे। फिर हम टेस्टिंग करके देखते हैं पैंट पहन के कि कैसे लगते हैं। मैं इतने देर से वेट कर रहा हूँ, पौवा और देर लगा रहा भाई आने में। आज है भाई चांद रात, आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड जितने भी भाई लोग देख रहे हैं ब्लॉग, रमजान की पहली शेरी मुबारक हो आप सभी को मेरी तरफ से। मेरे चेहरे में मुस्कुराहट देख रहे हो ना, इतनी खुशी हो रही है ना रमजान की, माशाल्लाह बहुत ही मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को किसे किसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जल्दी जल्दी कमेंट भर दो। आज मेरी वाली वीडियो पूरी भाई रमजान मुबारक भर दो, जितना भी आपसे हो जाए उतनी कमेंट कर दो। आज मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ 100, 200, 300, आप जितनी कर सको आज उतनी कर देना। मुर्गी चोर कितनी देर लगा दिए तूने, ये पूरी बारात के कपड़े लेने गया था क्या? ओए होए आ गए हमारे सारे फाइनली। अच्छा मैं सोच रहा मेरा कोट पहन गिर गया। हम बारात लेके शाबाश। यार बताऊं क्यों, उसे अब्बू ने मम्मी को 500 रुपए दिए हैं, सुन तो ले, पूरे 500 रुपए हैं क्योंकि अफ्तारी लिए नो में, बकरे का गोश्त लिया, मुर्गे का गोश्त लिया, सारी अफ्तारी जितनी भी थी ना 500 रुपए में मम्मी को दे दिया। अब 500 रुपए में सब चीज लिया होगी इसलिए आज मम्मी के चेहरे पर खुशी है। अभी मैं अपने कोट पैंट ट्राई करके देखता हूँ कि कैसे लग रहे हैं, पर वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, नजर लग जाएगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, रमजान का मुबारक चांद दिख चुका है। आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से रमजान का चांद मुबारक और चांद रात मुबारक और रमजान मुबारक। और अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको रमजान शरीफ के पूरे रोजे रखने की तौफीक फरमाए, आमीन। मगरिब की अजान हो गई है, अब चलते हैं छत पे जल्दी से चांद देखने। ये हमारी हूर कोई असला तो नहीं, रमजान मुबारक कह दो बेटा, कोई मसला तो नहीं? मसला ही सही है, बोल देगी तो बहुत मसला हो जाएगा। बोल दो रमजान मुबारक, बोल दो। नहीं बोलेगा वो अपने मजे में लग रहा है। वालेकुम अम्मी, आपको रमजान का चांद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आज मुझे है बहुत काम, मैं रात में कपड़े धोते रहती हूँ। वाह अम्मी की शायरी तो देखो। क्या अरे छत पे भाग रहे, अरे अरे इसे कहा है, देख गेट खुला दिखा नहीं और छत पे भागा नहीं। चांद का चांद दिख चुका है, चलो छत पे चांद देखने। अच्छा चांद अपने दिखेगा क्यों? छत पर भी पेंट हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। मगरिब के बाद से ही इतना अंधेरा हो गया, यहाँ पे लाइटिंग लग रही है, अपने घर पे लगवा ले। ओ वाइट, ये वाली लाइटिंग देखो कितनी प्यारी लग रही है, और वो झंडा भी कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह लगवाएंगे इंशाल्लाह, कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। तो चांद देखने आए थे, चांद तो दिखा ही नहीं, घर इतने ही लंबे लंबे बड़े बड़े बन गए तो चांद ही नहीं दिख रहा, क्या करें अब है? क्या करें, हमने बहुत कोशिश करी चांद दिखने की लेकिन हमें चांद कहीं भी नहीं दिखा। बात नहीं, आ जाओ तुम भी, ये तो सबसे पहले आएगा, तो पोपट हो गया। कमेंट में बताना आप सब में से किस किस को चांद दिखा, क्योंकि हमें तो दिखा ही नहीं। मैंने तो ऑनलाइन देख लिया था। क्या बोला तूने? ओ माय गॉड, मैंने भी ऑनलाइन देखूंगी जाकर नेट पे की रमजान का चांद। नेट से देखो कुछ। कहाँ जा रहे हो? देखना चांद देखने से पहले मैं यहाँ पर खीर पकने के लिए गई थी, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मेरे साथ क्या पोपट हो गया, चांद देखने के चक्कर में सारा दूध निकल गया। कोई नहीं, साफ करते हैं इसे। और मैंने यहाँ पर खीर बनने को रख दिया और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हटोगे रास्ते में से? देखो मम्मी ने यहाँ के पूरे रूम की सफाई कर दी है, तो रमजान की सारी प्रिपरेशन हो गई है। क्या आप सबके घर भी हो गई है? नहीं नहीं, फिर निकलने वाला, बच गया, अल्लाह का शुक्र है बच गया, फिर से मैंने देख लिया। हमने खाने में बनाया है चिकन कोरमा, जहाँ हमारा चिकन कोरमा, सबने खाना भी खा लिया है। सारे पर्दों में ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आते जाते ना या अटक रहे हैं थोड़े से, बट लेकिन ब्यूटीफुल बहुत लग रहे हैं। तो हम सब ने कर लिया है, अब हम करेंगे सहरी की तैयारी आपके साथ। आप देखना आज हम सहरी में क्या बना रहे हैं। इस खीर की खास बात यह है कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और अम्मी से बिना पूछे अपने आप ही लग गई हूँ बस बनाने, बस पता नहीं कैसी बनेगी, जैसी भी बनेगी खा लेंगे इंशाल्लाह। मुझे जितना पता है दूध में चावल डाल
निकाल के और इसे पकाते हैं जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। और जैसे ही मैं व्लॉग बना रही हूँ, अम्मी को आवाज आ चुकी है कि मैं खीर बना रही हूँ, तो अम्मी ने मुझे एक टिप्स भी दी है कि इसमें 2 इलायची डाल दूं, तो वो भी ऐड कर देती हूँ। इलायची ये रही हमारी, मैंने बोली है 2 इलायची, तो 2 ही ऐड करूंगी। अल्लाह रहमान रहीम। इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं तब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। हमारी खीर बन रही है, इस टाइम में हम अपना चिकन मैरिनेट करके रख देते हैं, क्योंकि आज मैं सहरी में बनाऊंगी चिकन रोस्टेड, क्योंकि उसे सब पेट भर के खा लेंगे और चिकन हेल्दी भी रहता है। यहाँ पर अरमान ने गेट बजाया, चलते हैं गेट खोलने। डॉन है? डॉन है तो अपने घर जा, चलो खोल देते हैं गाइस। डॉन को ढक के आओ, निकलो यहाँ से, चलो जाओ निकलो। देखो 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 कैसे भागता है घर से, देखो भाग गया। अब इसे पकड़ के लाती हूँ, देखो देखे इसे ऊपर भाग जाएगा, चल ऊपर, देखो गाइस डर के भाग गया। पद्दू से भागता रहेगा, उसने देखा नहीं गेट खुला, ये नीचे भागा नहीं। गाइस ये अम्मी ने वॉश करके रख दिया था, और हमने लिया है 1 किलो चिकन। बिस्मिल्लाह। मैं ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ले लेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। चाहिए मुझे काली मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, लेंगे थोड़ा सा नमक, आपका जितना मन करे आप ऐड कर लें। चिकन को देने के लिए विटामिन सी, जिससे ये गोरा हो जाएगा, सारा गोरा हो जाएगा मुर्गा। यस, और आप हो सकते हैं खूबसूरत व्हाइटनिंग क्रीम लगाकर। हम तो हो गए नहीं, मैं तो बहुत काले सुने, सब ये कहते हैं ना जब शादी हुई ना, कितनी काली हो काली, जब से मैंने ये खूबसूरत क्रीम मिली तब मेरा रंग निकलता। तो इसी बात पे सब बाय कर लो, हूर ऑफिशियल आईडी पर जाकर डीएम करो। ये लेकर आया है कावेरी मेहंदी की कौन, क्योंकि आज चांद रहा तो मेरे हाथों पे लगेगी मेहंदी, तो फिर मैं कल को रखूंगी रमजान, रमजान रख के खाऊंगी नहीं भाई रोजा, फिर खाऊंगी खजूर। रोजा रख के खाएंगे खजूर, पकड़ी गई। मैं जब अख्तियार हूँ तो खजूर से, तो यूँ क्या रोजा इख्तियार करने में खाऊंगी, रोजा इख्तियार करने में खाऊंगी खजूर। बताओ मैं क्या बना रही हूँ, मैं दिमाग इतना लगा रही हूँ उसके ऊपर, मैं वो बनाना चाहती हूँ कुछ मसला वाला। मगर हमारी 2 फैमिली बना के रमजान के ऊपर मसला वाला कमेंट करना। चिकन कोई असला तो नहीं, हम इसको तवे पे सेक दें, कोई मसला तो नहीं। सिस्टर कितना जूस निकालोगे इसका? बाबा मैं जा रहा हूँ अभी दोस्त के साथ। यार मान में लोग तरावी पढ़ के आया तो इसको टाइम ना था, अरमान में व्लॉगिंग सीख रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो बनावा देखते हैं भाई मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, इंशाल्लाह कल से तुम्हारा भाई बना। जब घर में फील हो रही, सुन जब तू घर में आ रहा ना सबको सलाम करेगा, इसलिए तुम्हारी मोम रहती है सब में बड़ी घर में। वालेकुम अस्सलाम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे, और जब हमारी सेहर का टाइम होएगा हम इसे सेक लेंगे। हम अपनी टू फैमिली को दिखाना चाहते हैं, तो यह है बेड शीट, इसके ये छोटे छोटे 2 नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं। तो यह सिस्टर ने आज ऑनलाइन मंगाई है, क्योंकि आज है रमजान की पहली रमजान, आज है रमजान की चांद रात, तो सिस्टर ने ऑनलाइन मंगा के और बेड को सजा दिया है, इतनी खूबसूरत बेडशीट लग रही है। मैंने कही सिस्टर हमें 2-3 ऑनलाइन और मंगा दो, फिर तुम चले आओगे तो हम किससे ऑर्डर करें। यहाँ पर सिस्टर बना रही है खीर, देखते हैं आज कैसे बनाई। मुझे मेहंदी लगवाना पसंद नहीं है, मगर सिस्टर मेरे नहीं है जबरदस्ती मेहंदी लगाती है, अब मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ, अब के साल ये लगा देगी, फिर मैं किसको बुलाऊंगी किससे लगवाऊंगी, तो इसलिए मैं इससे ऐसे कह देती हूँ दिल रखने के लिए ना, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि फिर भी मेरे हाथ सफेद रहेंगे, तो इसलिए अभी नहीं लगवाऊं मैं। कल बन रहा है खाना, इस टाइम मेरा काम है अम्मी के हाथों को सजाना। हम आपको डिजाइन बताना चाहेंगे कि आपको कैसी मेहंदी लगवानी है। मुझे ज्यादा भरी भी पसंद नहीं है, मुझे तो थोड़ा डिजाइन बड़ा बड़ा होगा और हल्की होगा बस। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं अम्मी की मेहंदी लगाना। सबसे पहले मैं एक चांद ड्रॉ करूंगी अम्मी की हैंड पे, क्योंकि मुझे चांद रात की मेहंदी लगानी है रमजान के लिए, बहुत ट्रेंड में चल रही है। ये देखो गाइस मैंने अपना चांद बना लिया है, बनाएंगे इसके ऊपर डिजाइन। गाइज आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये मेहंदी कैसी लग रही है, थोड़ी चांद वाली है, बहुत प्यारी लगती है, 1 साल में हम एक बार लगाते हैं ये वाले मेहंदी का डिजाइन।
और आप ये भी कमेंट जरूर करना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। मैंने यहाँ पर अब्बू का भी नाम लिख दिया है और अम्मी को पता ही नहीं है क्योंकि अम्मी आंखें बंद करके सो रही हैं बैठी बैठी। जब उठेंगी तो देखूंगी कि नाम पढ़ेंगी या नहीं, लेकिन आप देखना आगे क्या होता है, बहुत हंसी आएगी आप। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की मेहंदी यहाँ पर लग गई है, बताओ अम्मी कैसी लग रही है? ये तो बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत। मैंने ये रमजान की मेहंदी लगाई है थोड़ी सी, क्योंकि रमजान का चांद देखा था ना, तो सिस्टर तुमने मेरे हाथों पे चांद बना दिया। हाँ, मैंने रमजान का चांद बनाया और लैंप बनाया और ये फूल बनाया, बहुत अच्छी लग रही है। नाम लिख दिया तुमने, पढ़ लिया क्या? इतनी तो पढ़ी हुई हूँ सिस्टर। वैसे अम्मी ने बीए कर रखा है इसलिए अम्मी को सब पढ़ना लिखना आता है। पांचवी लो अम्मी की क्लास भी रिवील हो गई, अम्मी फिफ्थ पढ़ी हुई है। ये देखिए गाइस, हमारी खीर जो है वो आधी पक चुकी है, अब हमें इसे घोटना है। तो गाइस बताया जैसे आपको आधी पक गई, अब अम्मी ने बोला इसे घोटना है, तो मैं इस ब्लेंडर से घोलूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इस टाइम बहुत गर्म हो रही है, लेकिन ये घोटनी भी जरूरी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से खीर घुट गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बुरादा, इससे इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं, फिर जो गार्निश करके डालेंगे ना, फिर और डाल देंगे। पहले ही वाला बुरादा ये है, बादाम का बुरादा और नारियल का बुरादा, इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी से ही देखो कितनी प्यारी खीर लग रही है और खाने में तो बहुत टेस्टी होगी इंशाल्लाह। खूब सारे ड्राई फ्रूट मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। टेस्ट करने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ। हमारी चीनी रात के 12:30 बजे खत्म हो गई थी, मैंने जस्ट अभी रिहान से मंगाई है। चीनी आ गई है, अब ऐड करेंगे अपनी खीर में। पहले मैंने इतनी चीनी ली है, पहले देख लूँ कि मीठा सही है, फिर ऐड कर दूंगी बाद में। तो बबल्स बन रहे हैं ना, इससे पहचान हो रही है कि हमारी खीर पक गई है अच्छी तरह से और गाढ़ी भी हो गई है देखो। और जिस टाइम आप सभी व्लॉग देख रहे होगे, हम सबका रोजा होगा इंशाल्लाह। तो जब आप रोजा खोल लो ना, तो मगरिब के बाद अपनी अम्मी से या खुद बना लेना, अम्मी से बनवा लेना, लेकिन ट्राई जरूर करना। सिस्टर ना, ये भी कोई वजह है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कोई पता नहीं है क्यों बना रही है व्लॉग। क्यों? अरमान की तबीयत थोड़ी ढीली है, उन्होंने अभी दवाई खाई है, बुखार हो रहा, तो उससे बनना रही है व्लॉग। तो कह रहा आज सिस्टर बना देगी, हमारी यूट्यूब फैमिली नहीं परेशान हो जाएगी, अरमान का व्लॉग क्यों नहीं आया। और आप सब फिर ये भी बता देना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये देखो गाइस, फाइनली हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है और ये मिनी प्लेट में मैंने अम्मी के लिए निकाल ली है। सबसे पहले मैं अम्मी को टेस्ट कराऊंगी क्योंकि अम्मी हमारी शेफ है, वो टेस्ट करके बताएंगी कैसी बनी है। अम्मी जल्दी जल्दी से खीर टेस्ट करो। बिस्मिल्लाह। चीनी भी बता दो कैसी है। खीर तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा मीठा कम है, डाल दो। मीठा मैंने कम ही डाला था, जरा सा और डाल दो। थोड़ा सा और डाल दूं? ठीक है। आप भी आए तो मैं जमा मजे। सिस्टर तो अपना व्लॉग बना रही है, तो आते हैं भाई यहाँ पर। भाई मिले तो, और भाई कैसे हो? और ठीक हो भाई? व्लॉग व्लॉग देख रहे हो? रमजान मुबारक हो आपको। ये देखो जामा मस्जिद, माशाल्लाह से इतनी प्यारी रौनक हो रही है ना, है दिल खुश हो चुका है। आज आए हमारे साथ आमिर भाई एंड अरशद भाई। भाई कहाँ, इतने दिन तो दिख नहीं रहे। रमजान स्टार्ट हुए तो भाई। अच्छा, अब दिखेंगे। चलो भाई, अभी आदम समझ रात के 1 बज रहे हैं, चलो यहाँ पर थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं क्या रौनक हो रही है। पर माशाल्लाह से सच बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सीन हुआ पड़ा भाई। खाने का सिस्टम देखो, यहाँ पर सब खुला पड़ा है, पब्लिक ना शेयर ही कर करके यहीं से जाएगी। तो अभी आगे की साइड चलते हैं, देखते हैं। और आज भाई मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, पर मैंने चला जामा जित पाया, थोड़ा सा बनाई देता हूँ आपको, एक बार रौनक दिखा देता हूँ कैसी हो रही है। ये चेक करो, रमजान मुबारक। क्या लोकेशन कर रखी है भाई, पूरी बाहर से भी सजा रखी है और अंदर की साइड आए तो अंदर भी सजा रखी है। और यहाँ पर देखो लाइट फाइट पूरी ठाक रखी है। 1:03 हो रहा है और ये क्राउड है 1:03 पर। चलो बहुत ही बढ़िया सीन है। आ चुका था मोहब्बत का शरबत पीने के लिए। और ये देखो हमारा आ चुका है गिलास। हाँ भाई, कैसा लग रहा है भाई? होगा याद ताजा? बिल्कुल फ्रेश फील हो चुका हूँ मैं, सेट गया। और ये देखो ये आइए आइए और हम जाइए कहाँ के, अभी भी हमें सोने की चेन दो ना। ये चोला फ्री रमजान के लिए। भाई साहब बड़ा शरबत पीता है शेरी के लिए। भाई देखो फैन ही लगा रखे, वाह बढ़िया। यहाँ पर शेरी करने का भी जुगाड़ पूरा लगा रखा है। भाई बाहर ही निकल रहे थे, एक भाई और मिले। और भाई ठीक हो? क्या चल रहा है? शेरी का जुगाड़ हो रहा है क्या? क्या है खाने के अंदर? भाई भूल चुके लाए या लाई ला भूल रहे आए बैंगन। जा रहे हैं चांदनी चौक। और अभी भाई इतने सारे सब्सक्राइबर ले, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा। और रात में थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है और थोड़ी थोड़ी नहीं भी लग रही है, पर क्या करें, बाइक पे घूमना है तो भाई ठंड को तो झेलना ही पड़ेगा। आ चुकी है हमारी चाय।
अभी हम गए थे पीछे की साइड गए थे, वहाँ पर बिल्कुल भी सब चीज बंद हुई पड़ी है, पता नहीं क्या सीन है, थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा है। अब रमजान जैसे अभी तो आए हैं, अभी क्राउड देखना कितना होगा। तो फटाफट से चाय पीते हैं, उसके बाद घर चलते हैं और फिर नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम शेरी में कुछ स्पेशल चीज करने वाले हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी देखना। अभी हम घर ही जा रहे थे तो यहाँ पर हमें एक्सीडेंट दिखाया भाई, देखो पूरी कार लगी पड़ी और डिवाइडर में धक्के मार रखी है, तो इस साइड से पूरी खत्म हो चुकी है और इसका सरसों का तेल भी वो सारा निचोड़वा और बाइक को ज्यादा ऐसी आ रही है और पूरा देखो पूरा रोड खाली पड़ा है इस वक्त, पता नहीं कैसा ठुक गया बेचारा, है नहीं कोई कार के अंदर, आई थिंक ले गए होंगे अस्पताल। ओ अम्मी क्या कर रही हो तुम? ओ भाई, तो भाई अम्मी कुछ खतरनाक चीज करने जा रही हैं, तो देख के शौक हो चुका हूँ भाई, बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है। नेक्स्ट व्लॉग आप जरूर देखना कि नेक्स्ट व्लॉग में पता लगे कि अम्मी क्या करने जा रही है। मैं बोल देता हूँ जल्दी से कमेंट, फर्स्ट कमेंट है आरिफ, A1 क्रीम चाहिए जी, आप पूर्व वाली आईडी पर मैसेज करें, आपको जितनी भी क्रीम चाहिए उतनी क्रीम आपको अवेलेबल मिल जाएगी, फटाफट से जाएं और ऑर्डर करें। आलिया, वालेकुम सलाम अरमान भाई, राजस्थान से जयपुर से, शुक्रिया। सूफियान हुसैन, अरमान भाई रमजान मुबारक आप सभी को मेरे तरफ से। मिस्टर रोहान, वालेकुम सलाम अरमान भाई, आपकी शॉपिंग मुझे बहुत अच्छी लगती, थैंक यू भाई। रहमत नाज, चांद रात मुबारक एवरीवन, आप सभी को मेरे तरफ से भी। तो चलो आपका वीडियो देख रहे, चलिए तो लाइक ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।